हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत, वेलकम टू सोशल स्कूल। ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कारण मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहली चीज कि बोर्ड एग्जाम में हमारा अब SST का एग्जाम है। अब SST के एग्जाम के लिए लगभग 3-3.5 दिन का आपको समय दिया गया है, और ये समय है, मजे की बात है कि सभी को बराबर दिया गया है। तो अब इस बराबर समय में क्या होगा कि कोई बहुत बेहतरीन प्रिपरेशन कर लेगा और कोई कंफ्यूज ही हो जाएगा कि क्या पढ़ू क्या छोड़ू। तो देखो, बेसिकली मैं आपको एक चीज बताता हूं, काम सिंपल रखना है, काम स्ट्रेट रखना है, स्मार्ट वर्क पे ज्यादा फोकस करना, कम समय में मैक्सिमम कैसे यूटिलाइज कर सकते हो उस चीज पर फोकस रखना, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट मत होना, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें उन्हें करते चलना। और यहीं पर इसी कड़ी में एक पहली इंपॉर्टेंट चीज हम उठाते हैं, जो है सैंपल क्वेश्चंस बाय CBSE विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकंड ऑफ योर्स। मैं आपको सारी चीजें क्लियर करते चल रहा हूं। कुछ बच्चे इस चीज को ईमानदारी से बताना मुझे आप कमेंट सेक्शन में, कितने लोगों को ये पता था कि ऐसा भी कुछ है। बेसिकली क्या होता है ना, आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स इस फेज में होंगे कि ये कब हुआ, ये सैंपल क्वेश्चंस कब आए। तो अगर आप एक अवेयर स्टूडेंट हो तो आप CBSE की वेबसाइट पर जाते हो, ठीक है, वहां कंटिन्यूअसली चेक करते रहते हो। होता क्या है ना कि जैसे अगर आप ये देखेंगे क्वेश्चन बैंक वाला एक सेक्शन है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो क्या कह सकते हैं, साइंस मैथ्स सोशल के लिए क्वेश्चन ही नहीं है। साइंस मैथ्स के क्वेश्चन है क्लास टेंथ के, सोशल के क्वेश्चन नहीं है, गजब बेइज्जती है। लेकिन आप ये सैंपल क्वेश्चन पेपर वाले सेक्शन में जाओगे, ठीक है, यहाँ नीचे आपको सैंपल क्वेश्चंस क्लास टेंथ के सैंपल क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ये ठीक है, क्लास टेंथ के सैंपल क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो यहां पर कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, तो आई थॉट क्यों ना इन्हें प्रैक्टिस किया जाए, क्योंकि ये नेग्लेक्टेड अभी तक छोड़ दिए गए। तो हम देखें तो सही किस तरह के क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन अच्छे भी लगे मुझे, क्वालिटी क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन आपके सिलेबस के बाहर के भी हैं, मतलब वो चैप्टर्स के हैं जो चैप्टर्स आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं आ रहे। तो हम उन सारे क्वेश्चन को देखते हैं, फटाफट से सारे सोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है, और फिर आगे की तैयारी आगे के हिसाब से करते हैं। आई होप आपने इससे पहले वाला स्ट्रेटेजी सेशन अटेंड किया था, मैंने आपको बताया कि हम किस तरह से मिलके टुगेदर वी कैन बी विल वाले उस हमारे कह सकते हैं बेंचमार्क को फुलफिल करने वाले हैं। तो आई होप आपने वो सेशन फॉलो किया था, तो आपको वहां से स्ट्रेटेजीज वगैरह क्लियर होती रहेंगी। सर मैं यार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, तो कोई भी अपडेट आपसे छूटेगा नहीं, पूरे टाइम पीरियड में कब क्या होने वाला सारी चीजें पता चलती रहेगी। साथ ही साथ अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लेना, तो वहां पर आपको नोट्स वगैरह सारी चीजें मिल जाएंगी, स्पेशल क्लासेस भी वहीं होती हैं, ठीक है, तो आप ये नोट्स जो भी रहता है वो सारा मैं वहां पे अपलोड कर देता हूं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF फ्री ऑफ कॉस्ट। फाइन, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये जो सैंपल क्वेश्चन CBSE ने दिए हैं, इनमें क्या है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ये रहा आपका, व्हाट डिड द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 डिक्लेयर्ड। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट कहां से आया, नेशनलिज्म इन इंडिया। ध्यान है, आपको रिकॉल करो तो क्या था कि प्लांटेशन वर्कर्स जो थे दे वर नॉट अलाउड टू लीव दी टी गार्डन्स, टी प्लांटेशन फील्ड्स जो थी वो छोड़ के नहीं जा सकते थे, कब तक, जब तक ब्रिटिशर्स से परमिशन ना मिले, और वो परमिशन रेयरली ही मिलती थी। तो वेरी शॉर्ट में दो नंबर में इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है, फाइन, तो वो आपको सीधा से लिखना रहेगा कि अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 इट वॉज डिक्लेयर्ड दैट द प्लांटेशन वर्कर्स कुड नॉट लीव द प्लांटेशन फील्ड्स विदाउट सीकिंग ऑफिशियल परमिशंस, इन रियलिटी सच परमिशन वॉज रेयरली ग्रांटेड टू देम, दैट्स इट। इतना लिखो आगे बढ़ो, इतना लिखो आगे बढ़ो। तो आपने क्या कर दिया, क्वेश्चन की नीड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को पूरी तरह से समझा दिया है। इंडियन इमिग्रेशन एक्ट, ध्यान आया। अगला सवाल, नेम एनी वन फॉसिल फ्यूल यूज्ड टू जनरेट थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। अब ये क्या है, ये वाला क्वेश्चन जो है, जो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन कहां से आएगा, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाले चैप्टर से आएगा, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं आ रहा है। स्टिल लेकिन आ गया क्वेश्चन तो। अब देखो, पॉसिबिलिटी ये है कि इस तरह से क्वेश्चन कभी भी आपको जो सिलेबस दिया उससे बाहर नहीं आएंगे। आ जाएगा तो क्या हाथ खड़े करके आ जाओगे, आपके पेन से बोल दोगे चलना मत तू, क्यों, क्योंकि तो सिलेबस के बाहर का है। नहीं आया है तो आपको पता है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कहां से बनती है, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट में क्या डालते हैं, कोयला, ठीक है, तो कोल इज द राइट आंसर। फाइन, कोल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव वन स्पेशल फीचर दैट डिस्टिंग्विशेस अ प्रेशर ग्रुप फ्रॉम अ पॉलिटिकल पार्टी। प्रेशर ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन होता है, तो वो एक फीचर बताओ। अब ये सवाल कहां से आया है, प्रेशर ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी, सर ये तो कहीं बहुत पुराना लग रहा है, कहां से, पावर शेयरिंग से, ठीक है। तो जी हाँ, ये वाला क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा, देखो क्या होता है ना, चीजें बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग होती है। अब इसको आप अगर आप पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्ट करोगे तो पॉलिटिकल पार्टी वाले चैप्टर के डोमेन में तो आ गया ये, कि पॉलिटिकल पार्टीज वाला चैप्टर आपने पढ़ा है, ठीक। तो ये ओवरलैपिंग नेचर के क्वेश्चन अगर आते हैं तो क्या छोड़ के आओगे, छोड़ के मत आना इस तरह से, ठीक है, छोड़ के मत आना। और इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन जब देखे तो मुझे लगा कि क्वेश्चन एक बार सॉल्व करवाना चाहिए आप लोगों को,
क्यों? क्योंकि उसमें आपको एक वो डायमेंशन, देखो पहली बात तो आधे से ज्यादा बच्चों को ईमानदारी से बताना पता ही नहीं था कि ऐसे भी क्वेश्चन है। फाइन, तो ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने नेग्लेक्ट कर दिए होंगे, तो हियर इज द सॉल्यूशन टू दीज क्वेश्चंस, हियर आर दीज क्वेश्चंस, ठीक है। इनफैक्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन छोड़ो, पहले क्वेश्चन तो बता दो सर। तो इस तरह से कह रहा है कि अगर कुछ ओवरलैपिंग नेचर के भी क्वेश्चन आते हैं तो वो भी आपको ध्यान रखना है। गिव वन स्पेशल फीचर दैट डिस्टिंग्विशेस अ प्रेशर ग्रुप फ्रॉम अ पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी और प्रेशर ग्रुप कैसे अलग है? तो देखो, पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, इलेक्शन कंटेस्ट करती है और वो पावर में आने के लिए इलेक्शन कंटेस्ट करती है, पावर टसल रहती है, ठीक है। लेकिन जो प्रेशर ग्रुप्स रहते हैं तो वो क्या कहते हैं, गवर्नमेंट के बाहर से प्रेशर क्रिएट करते हैं, पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप इज दैट पॉलिटिकल पार्टीज गेट इनटू पावर, वेयर एज प्रेशर ग्रुप्स डू नॉट गेट इनटू द पावर बट इन्फ्लुएंसेस द पार्टीज इन पावर फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। जो सरकार में बैठी है ना पार्टी, उस पार्टी को बाहर से इन्फ्लुएंस करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वन स्पेशल फीचर पूछा था, तो ये जो डिस्टिंग्विश कर रहा है पॉलिटिकल पार्टीज को और प्रेशर ग्रुप को, समझ आया? तो उस तरह से क्या है, अगर थोड़ा सा ओवरलैपिंग नेचर का क्वेश्चन आए तो वहां पे दिमाग लगाना, कंसाइंस लगाना। अब ये पॉलिटिकल पार्टी में आपने पढ़ा ही है कि पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड टू होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट, ठीक है। प्रेशर ग्रुप उससे ऐसे डिफरेंट हो जाता है कि प्रेशर ग्रुप के पास पावर नहीं होती है, लेकिन जो पावर में है उसे वो बाहर से इन्फ्लुएंस कर देता है, ठीक है, वो चीज है यहां पे। अगला सवाल, गिव वन रीजन व्हाई मल्टी पार्टी सिस्टम हैज इवॉल्वड इन इंडिया, कहां से आया है? तो मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया में कैसे इवॉल्व हुआ, पॉलिटिकल पार्टीज वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया है, ठीक है। मल्टी पार्टी सिस्टम एक रीजन पूछा आपसे, तो आप अच्छे से बता सकते हैं क्या कि लुकिंग इनटू द डाइवर्सिटी व्हिच इंडिया हैव, ठीक है, मल्टी पार्टी सिस्टम इज द बेस्ट ऑप्शन व्हिच कैन अकोमोडेट दैट अमाउंट ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक। अगर चाइना जैसा देश होता हमारा, जहां पे ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं होती, जहां पे एक ही एथनिक ग्रुप के लोग रहते हैं, तो हम वन पार्टी सिस्टम से भी काम चला सकते थे, लेकिन वो डेमोक्रेटिक नहीं होता, ठीक। लेकिन यहां पे आप जैसे देखोगे तो इंडिया के केस में क्या कहानी बन रही है, इंडिया के केस में कहानी बन रही है कि मल्टी पार्टी सिस्टम इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां पे डाइवर्सिटी उतनी है। तो मल्टी पार्टी सिस्टम इवॉल्व्ड इन इंडिया बिकॉज ऑफ दिस सोशल एंड ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री, दिस डाइवर्सिटी कैन नॉट बी अब्सॉर्ब्ड बाय टू और थ्री पार्टी अलोन एंड देयर इज नीड फॉर अ मल्टी पार्टी सिस्टम। आप बोलोगे सर टू मतलब मोर देन टू पोलिटिकल पार्टीज तो मल्टी पार्टी हो गया, लेकिन हमारा तीन नहीं है, 300 पोलिटिकल पार्टीज है, ठीक है। तो उस तरह से क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया में इसलिए जरूरी क्योंकि मल्टी पार्टी सिस्टम ही क्या कर सकता है, इतनी डाइवर्सिटी को अकोमोडेट कर सकता है। इज दैट क्लियर, ठीक है, ये समझ में आया, ये हो गया मल्टी पार्टी सिस्टम वाला पार्ट। अब आगे बढ़े अगर, तो अगला सवाल ये रहा, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल ईच कंपेयर अ सिंगल इशू मूवमेंट एंड अ लॉन्ग टर्म मूवमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल की मदद से आपको क्या करना है, एग्जाम्पल की मदद से आपको एक सिंगल इशू मूवमेंट को और लॉन्ग टर्म मूवमेंट को क्या करना है, कंपेयर करना है। अभी चक्री खा गए होंगे बहुत सारे बच्चे, ये सवाल जो कह सकते हैं पॉपुलर मूवमेंट वाला एक चैप्टर है आपका, जो इस बार तो सीबीएसई ने नेक्स्ट एकेडमिक ईयर वाले बच्चों के लिए भी एलिमिनेट कर दिया, वहां से आया है, तो ये आउट ऑफ द सिलेबस है। बाकी बेसिकली अगर मैं आपको समझाऊं तो सिंगल इशू मूवमेंट पता क्या होते हैं, जो किसी एक मुद्दे पर स्पेसिफिक रहते हैं, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन हो गया, ठीक है, तो कोई भी एक मुद्दे से जुड़ा हुआ जो वो रहता है, कोई मतलब कि एक स्पेसिफिक इशू, तो सिंगल इशू मूवमेंट। और लॉन्ग टर्म मूवमेंट में क्या जाएगा, जैसे क्या है, विमेन्स मूवमेंट, ठीक है, तो महिलाओं के जितने भी मूवमेंट है वो विमेन्स मूवमेंट। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट क्या कहलाएगा, सिंगल इशू मूवमेंट, आपने आजादी दिलाई, ठीक है। लेकिन अब क्या, एनवायरमेंटल मूवमेंट जो है, तो जो एक अम्ब्रेला मूवमेंट होगा वो लॉन्ग टर्म मूवमेंट हो जाएगा, जो लंबे समय तक चलता रहता है, ठीक है। तो वो उस तरह से हो गया, ये यहाँ पे क्या है, आउट ऑफ सिलेबस, लेकिन ये आपके पार्ट का नहीं है, घबराना नहीं, ठीक है। व्हाट इज मेंट बाय फेयर ग्लोबलाइजेशन, फेयर ग्लोबलाइजेशन थोड़ा सा पाउडर ऑर्डर लगा के उसको बढ़िया तैयार करके पहुंचा दो, फेयर नहीं, फेयर ग्लोबलाइजेशन में बेसिकली आपको पता है, आपने पढ़ा ग्लोबलाइजेशन चैप्टर में, कि फेयर ग्लोबलाइजेशन वो ग्लोबलाइजेशन होगा जहां पे जो फ्रूट्स हैं, जहां पे जो एडवांटेजेस हैं ग्लोबलाइजेशन के, ठीक है, तो दोज एडवांटेजेस, दोज फ्रूट्स शुड बी रिसीव्ड इक्वली बाय एवरीवन, ठीक है। हर इंसान जो है वो क्या कर पाए, बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन को एंजॉय कर पाए, वो फेयर ग्लोबलाइजेशन होता है, ठीक है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फेयर ग्लोबलाइजेशन, फेयर ग्लोबलाइजेशन मींस दैट द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन मस्ट बी शेयर्ड बाय ऑल इक्वली। ये जो पीडीएफ है जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, सीबीएसई की वेबसाइट से आप डाउनलोड करोगे तो वहां पे भी आपको क्या मतलब वो पीडीएफ मिल जाएगा, उसमें क्वेश्चंस और क्वेश्चंस के नीचे आंसर भी मिल जाएंगे, लेकिन मैंने सारे आंसर अलग अपने आप से खुद लिखे हैं। क्यों लिखे हैं, क्योंकि आपको इजी वर्ड्स में मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। और फिर दूसरी चीज ये हो जाएगी कि जो सिलेबस का है नहीं है वो भी मैं आपको डिफरेंशिएट कर पाऊंगा, ठीक है। कहने को मैं कह सकता था पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, सॉल्व कर लेना, लेकिन उससे आपका ये पर्पस फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ा माना और उसको क्या कर दिया है, रिलैक्स कर दिया है, ताकि वो याद करने में अगर क्वेश्चंस ऐसे आते हैं तो ध्यान रहे, ठीक है। अब मैं आपको एक और अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ,
क्या हो रहा है कि टर्म वन में भी जैसे सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चंस रिलीज करे थे, ठीक है, टर्म वन वाले मत डाउनलोड कर लेना, ठीक है, वहां पे आप जाओगे तो सैंपल क्वेश्चन वाले सेक्शन में मिल जाएगा, मतलब क्वेश्चन बैंक वाले सेक्शन में मिल जाएंगे टर्म वन के, वो मत डाउनलोड करना, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली सीबीएसई जो रिलीज करता, तो उससे एक पैटर्न हमें समझ में आ जाता है, और एट टाइम्स हमने देखा कि कुछ क्वेश्चन उठ के भी आए थे, ठीक। तो उस केस में सॉल्व जरूर कर लेना एक बार। व्हाट इज मेंट बाय फेयर ग्लोबलाइजेशन? फेयर ग्लोबलाइजेशन मींस दैट द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन must be shared by all equally. Simple. Why do banks ask for collateral while giving credit to the borrower? Simple. Money and credit से आया है. Money and credit से question आया. Question क्या पूछ रहा है? कि जो वो होते हैं, कौन होते हैं? जो banks होते हैं, ठीक है, bank हमेशा क्या मांगते हैं? Collateral मांगते हैं. एक homework question देता हूँ मैं, चलो आपको comment section के लिए. Collateral से आपको क्या समझ में आता है? उसकी एक proper definition, वेरी शॉर्ट आंसर में वो भी पूछी जा सकती है, तो कोलेट्रल की डेफिनेशन लिखना। सवाल ये है कि व्हाई डू बैंक्स आस्क फॉर कोलेट्रल व्हाइल गिविंग क्रेडिट टू बोरोवर्स, ठीक है, बोरोवर्स को क्रेडिट देते समय बैंक्स जो है कोलेट्रल क्यों मांगती है? तो सिंपल सी चीज है कि वो भाग गया तो पैसे लेके, ठीक है, तो जैसे क्या है उसकी जो एयरलाइंस होंगी हम उन्हें तो जब्त कर सकते हैं कम से कम, ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है, क्या कि बैंक्स कोलेट्रल इसलिए मांगती है ताकि वो कोलेट्रल को एक सिक्योरिटी की तरह इस्तेमाल करें, एंड इफ द बोरोवर फेल्स टू रीपे, ठीक है, बैंक कैन सेल दैट कोलेट्रल एंड रिकवर द अमाउंट लेंडेड टू द बोरोवर। समझ में आया? तो वही चीज यहाँ पे बताई गई कि बैंक आस्क फॉर कोलेट्रल व्हाइल गिविंग क्रेडिट टू बोरोवर because if the borrower fails to repay the loan, the bank has right to use or sell the collateral given to him by borrower so that they can get money which they have which they gave him as a loan. Samajh mein aaya? Ye simple sa point tha. Next kya hai? How will you justify that you are an alert consumer while buying a commodity from the market? Give two example situation to support you. ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे बेसिकली ये जो क्वेश्चन है कहां से आया? ये कंज्यूमर राइट्स वाले चैप्टर से आया, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन इन जनरल अगर आपसे पूछ लो तो आप एक अवेयर सिटीजन हो, या आप कैसे प्रूव करोगे? तो आप प्रोडक्ट खरीदते समय ISI का टैग देखोगे उस पर, ठीक है, कि इंडियन स्टैंडर्ड्स को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है ये, ठीक। आप क्या करोगे? उसकी एक्सपायरी डेट देखोगे, मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो लिखी उससे ज्यादा में तो नहीं बिक रहा है, तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो, 225 लिख सकते हो आप, ठीक है, ये इस तरह के जर्नलिस्टिक क्वेश्चन होंगे, बी प्रिपेयर फॉर देम ऑल्सो। अगर मान लो क्या है कि जो सिलेबस का पार्ट है उसमें से कुछ जर्नलिस्टिक क्वेश्चन आते तो आपसे बनना चाहिए वहां पर, ठीक है, हाथ नहीं खड़े करके आना है। हाँ चलो, अब आते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, तीन नंबर वाले क्वेश्चंस जो आना है आपके। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में बेसिकली क्या है, ये जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन वाला पार्ट आएगा, तो यहां पे आपको तीन नंबर के क्वेश्चन है। हमारा थंब रूल क्या है, ठीक है, साइंस का एग्जाम देके आए हो तो आपको थंब रूल वम रूल तो सब अभी दिमाग में घूम रहे होंगे। एक थंब रूल सोशल का बैठा लेना, क्या कि हमेशा आंसर पॉइंट्स में लिखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी कि जितने नंबर का क्वेश्चन है मिनिमम उतने पॉइंट्स तो हमारे जाएंगे ही जाएंगे, उतने आइडियाज हमें बताना है। अब ऐसे नहीं है कि पॉइंट को चार बार लिख दिया, बोल दिया सर चार नंबर का क्वेश्चन करके आ गए, ठीक है, तो मिनिमम उतने आइडियाज उतने पॉइंटर्स आपके जाना चाहिए जितने नंबर का क्वेश्चन है। क्लियर हुआ? चलिए, क्वेश्चन ये आपका, द मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट एक्सप्लेन देयर रोल इन द मूवमेंट। ठीक, तीन नंबर का क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। मैं आपको यहाँ पे पॉइंटर्स बताते चलूंगा, इसमें प्लस माइनस अपने वर्ड्स में लिखना, कंप्रेस करना, स्ट्रेच करना, वो आपको खुद करना पड़ेगा, बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है वो मैं आपको देते चल रहा हूं। तो जैसे क्या हो रहा है कि मर्चेंट और इंडस्ट्रियलिस्ट का क्या पार्टिसिपेशन रहा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, ठीक है, तो इस स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, मतलब उन्होंने सिग्निफिकेंट रोल प्ले करा ना, तो क्या रोल प्ले करा वो बताना है आपको। तो ध्यान करो, उन्होंने क्या किया, जैसे अगर आप देखोगे फिकी वगैरह को एस्टैब्लिश किया, उन्होंने क्या किया, अपोज किया ब्रिटिश पॉलिसीज को, उन्होंने एक तरह से इंडियन नेशनल मूवमेंट को फंड किया, सपोर्ट दिया, तो इसमें आप इंडस्ट्रियलिस्ट के नाम लिख सकते हो, जैसे GD बिरला, पुरुषोत्तम दास ठाकुर, ठीक है, ये सारे नाम लिख सकते हो। तो आंसर में क्या चलेगा, दे डिमांडेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट्स एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेशियो, ठीक है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेशियो की डिमांड करी थी उन्होंने, ध्यान है, दे रिएक्टेड अगेंस्ट द कॉलोनियल पॉलिसीज दैट रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्टिविटीज एंड फॉर्म्ड इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्स कांग्रेस इन 1920 एंड द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिकी इन 1927। दे गेव फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड रिफ्यूज टू बाय और सेल इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो उन्होंने बोल दिया कि हम क्या करेंगे, स्वदेशी को एनकरेज करेंगे, फाइन। तो उन्होंने खैर अपना वो भी देखा इन्वेस्टेड इंटरेस्ट, लेकिन उसके अलावा दे हैव अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, ठीक है, दे हैड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, एंड हियर आर द पॉइंट्स। समझ में आया? अगली चीज, क्वेश्चन नंबर टू जो है, ये देखो हमने अभी 8 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर कर लिए थे, अभी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का अलग सीक्वेंस चल रहा है, सिंपल पेपर में आपको यही सारे क्वेश्चन इसी तरह से दिए गए हैं। क्लियर हुआ? क्वेश्चन ये है,
how reinterpretation of history created a sense of collective belongingness among different community of India. ठीक है, तो अब आपको ये बताना है, ये हिस्ट्री वाला चैप्टर है हमारा. हिस्ट्री वाले चैप्टर में बेसिकली आपको कहां से सवाल आया है, हिस्ट्री वाले चैप्टर में एकदम लास्ट पार्ट पे चले गए, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस डेवलप करने वाले पार्ट पे, उस टॉपिक में. तो आपको वहां पता चलेगा कि रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री ने सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी जो है इंडियन कम्युनिटी में, इंडियन मासेस में कैसे क्रिएट करी, तो आपको वो पॉइंट बताना होगा. रीइंटरप्रिटेशन में हमने ये बताया कि जो ब्रिटिशर्स का पर्सपेक्टिव है टुवर्ड्स इंडियंस की वी आर प्रिमिटिव्स एंड ऑल, ठीक है, वो गलत है. पहली चीज उन्होंने ये समझाई. दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखना है कि साइंस और आर्ट में जो डेवलपमेंट इंडिया में हुए उसमें लोगों को प्राइड करने पे फोकस किया. हिस्ट्रीज वर रीरिटन, ठीक है, इन विच इंडियन पास्ट वॉज ग्लोरिफाइड एंड ऑल, ठीक है. तो वो सारे पॉइंट्स आपके जाएंगे और इससे आप लास्ट में कंक्लूड. देखो क्या हो रहा है ना कि आंसर लिखते समय वो आपकी क्रिएटिविटी पे छोड़ रहा हूं मैं. जैसे अब ये पार्ट है आपको, तो आपका इंट्रो आप ऐसे ही स्टार्ट कर सकते हो कि रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री क्रिएटेड अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस बिकॉज ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट द नेशनलिस्ट ट्राइड टू फोकस ऑन इंडियन पास्ट एंड ग्लोरी, ठीक है, इन द फॉलोइंग वेज, ठीक है, या फिर कह सकते हैं दे ट्राइड टू रीजनरेट द ट्रस्ट इन इंडियन हिस्ट्री ड्यूरिंग द फॉलोइंग प्रोसेस. अब वो प्रोसेस आप क्या लिख सकते हो कि रीइंटरप्रेट, ये लिख दिया जैसे आपने क्या इंट्रो दे दिया है कैसा, फिर क्या है काउंटरिंग द ब्रिटिश वर्जन. क्या किया सबसे पहले तो ब्रिटिश वर्जन जो था इंडियंस का कि इंडियंस बैकवर्ड है प्रिमिटिव है, ठीक है, उसको उन्होंने काउंटर किया एक तरह से थ्रू रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्री को रीइंटरप्रेट किया, फिर से बताया नहीं नहीं हमारा भी एक समय पे क्या रहा है, बहुत ही बड़ा साम्राज्य रहा है, मतलब भारत के जैसे आप देखोगे बड़े बड़े एम्पायर्स रहे, ठीक है, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, गोल्डन एज रही हमारी, ठीक है, वही चीज. तो इंडियन स्टार्टेड टू सर्च देयर ग्लोरियस पास्ट एंड डिस्कवर्ड दैट आर्ट आर्किटेक्चर साइंस मैथमेटिक्स रिलीजियस वर फ्लरिश्ड इन इंडिया, ठीक है. फिर क्या है नेशनलिस्ट परसुएड द रीडर्स टू डेवलप अ सेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस नेशनल प्राइड एंड पैट्रियोटिज्म अमंग देम, अमंग देम मतलब अमंग मासेस, ठीक है, जिससे क्या हो जिससे लोग, मतलब वही होता जब तक आप आपके अंदर विश्वास नहीं रखोगे, आपके इतिहास में विश्वास नहीं रखोगे, आप कैसे अपने भविष्य को सिक्योर कर पाओगे. दैट वाज द पॉइंट, ठीक है. अगला पार्ट जो है आपका, अगला क्वेश्चन जो है, तो ये कहां से आया है, नेपोलियन वाज अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इन लाइट ऑफ चेंजेस ब्रॉट अबाउट इन फ्रांस राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. कितने बच्चों को ध्यान है टर्म वन की कहानी, तो नेपोलियन नेपोलिक कोड ऑफ 1804 वगैरह वो सारी चीजें, बाकी दिस इज नॉट इन योर सिलेबस फॉर टर्म टू, ठीक है, तो ये आउट ऑफ सिलेबस रहेगा, वो सारी चीजें आएगी इस आंसर में. ध्यान आया हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन एंटी इंपीरियल स्ट्रगल इन वियतनाम, तो ये तो चैप्टर ही बाहर हो गया, इंडो चाइना मूवमेंट वाला था. चलो नेक्स्ट क्या है, हाउ हैव बायोगैस प्लांट्स प्रूव टू बी वैल्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इन रूरल इंडिया गिव इट्स 3 बेनिफिट्स. क्या बताया गया है यहाँ पे कि बायोगैस प्लांट्स जो है ना, बायोगैस प्लांट्स प्रूव टू बी वैल्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इन रूरल इंडिया बिकॉज गिव इट्स 3 बेनिफिट्स. कहां से आया सवाल, ये सवाल भी आपका आउट ऑफ सिलेबस मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाले पार्ट से है. बायोगैस प्लांट की अगर बात करें तो वो ऐसा है कि उसके बेनिफिट ये है कि आप क्या कर रहे हैं, एक तरह से वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं कि वेस्ट हो रहा है जो काउडंग वगैरह, उसको प्रॉपरली इस्तेमाल कर पा रहे हैं, बायोडिग्रेडेबल होता है, ठीक है, डोमेस्टिक गैसेस वगैरह मतलब डोमेस्टिक जो फ्यूल चाहिए रहता है वो आप क्या कर पा रहे हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से जनरेट कर पा रहे हैं. तो वो जैसे गोबर गैस प्लांट्स वगैरह जो है वो रूरल एरियाज में इजीली कंस्ट्रक्ट किया जा सकते हैं और इफेक्टिव है. तो वो सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो, लेकिन ये मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाले चैप्टर से है. अगला क्या है, मतलब आएगा ही नहीं, ठीक है. अगला सवाल ये है, अगला सवाल ये रहा, व्हाई डू यू थिंक द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फेवरेबल कंडीशन वेयर एज द हिमालयन माउंटेन्स प्रोवाइड अनफेवरेबल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ रेलवेज, गिव 3 रीजंस फॉर बोथ. एक चीज मैं आपको यहां पे इस क्वेश्चन से हाईलाइट करना चाहूंगा. देखो अब आपको पता है 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 पॉइंट लिखना है सर, हमें आपने सिखा दिया है. लेकिन अब मैंने जो सिखाया है और यहां पे जो सामने वाला क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, तो मेरी मत सुनना, वहां पे जो क्वेश्चन बोल रहा है उसकी सुनना, चाहे 3 नंबर में हो. लेकिन उन्होंने क्या बोला कि 6 पॉइंट लिखना रहेंगे, गिव 3 रीजंस फॉर बोथ, दोनों के लिए ही 3-3 रीजन लिखना है. तो अब यहां पे दोनों के लिए ही 3-3 रीजन लिखना है, वहां पे अड़बड़ जाना कि हमें तो सर ने ये सिखाया था 3 नंबर में 3 पॉइंट लिख के आना है, ठीक है. क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से आपको डील करना है वहां पे सारी चीजें. तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है, 3 रीजन दोनों के लिए बताना है. क्या दोनों के लिए, कि नॉर्दर्न प्लेन्स क्यों फेवरेबल है हिमालयन कह सकते हैं माउंटेन्स में रेलवेज के ग्रोथ के लिए, ठीक है, और साथ ही साथ क्या है, साथ ही साथ आप जैसे देखोगे तो हिमालयन माउंटेन की ग्रोथ के लिए नहीं, नॉर्दर्न प्लेन्स क्यों फेवरेबल है रेलवेज की ग्रोथ के लिए और हिमालयन माउंटेन्स क्यों फेवरेबल नहीं है, ये दोनों पॉइंट्स आपको बताना होंगे, ठीक है, क्यों फेवरेबल नहीं है ये दोनों पॉइंट्स आपको बताना होंगे. तो सिंपल सी चीज यहां पर दी गई है, तो द नॉर्दर्न प्लेन प्रोवाइड मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस फॉर ग्रोथ ऑफ रेलवेज बिकॉज
हैविंग हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, वास्ट लेवल लैंड है, रिच एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज है. तो ये तीनों फैक्टर जो है कि आपको ट्रेन में बैठा के घुमाने के लिए जनता जनार्दन भी मिल जाएगी, बहुत सारी पॉपुलेशन है, ठीक है, लेवल लैंड है तो वहां पे कंस्ट्रक्शन ईजी रहेगा, और एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है तो उससे क्या होगा सर, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज से तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए सामान भी मिलेगा, मालगाड़ी भी चलेगी और यात्री वाली गाड़ी भी चलेगी यहाँ पे खूब. वहीं पे हिमालयन रीजन्स की अगर बात करें तो द हिमालयन माउंटेनियस रीजन्स आर अनफेवरेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन्स ड्यू टू, वो क्यों अनफेवरेबल है, हाई रिलीफ, ठीक है, बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं वहां का, आप जिसे देखोगे तो अंडुलेटिंग टोपोग्राफी है, वहां कंस्ट्रक्शन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, स्पार्स पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन की कमी, ठीक है, किसको बिठा के घुमाओगे ट्रेन में. फिर दूसरी चीज क्या है, ठीक है, लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, तो ऐसा भी नहीं है कि वहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज है कि मालगाड़ी चल जाए. तो इसी के चलते क्या है, हिमालयन माउंटेनियस रीजन में आपको डेवलपमेंट जो है रेलवे का वो लोअर साइड पर देखने को मिलेगा. ठीक है, अगला सवाल ये रहा, असम विथ इट्स एक्सटेंसिव, ठीक है, एक्सटेंसिव टी गार्डन्स एंड हाई प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल हैज लॉट ऑफ पोटेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ टूरिज्म. असम जो है तो असम में क्या है, बहुत भयंकर क्या है, पोटेंशियल है किसके लिए, टूरिज्म के लिए. क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं वहां पे क्या है, टी गार्डन से और हाई प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल वगैरह सब कुछ है. लेकिन ये क्वेश्चन का इससे कुछ लेना देना नहीं है, क्वेश्चन बेसिकली आपका यहाँ पे व्हाट वैल्यूज आर एसोसिएटेड विद द प्रमोशन ऑफ टूरिज्म. कभी कभी ऐसा ब्लफ होगा आपके साथ कि एक बड़ा सा स्टेटमेंट दे देंगे, वो स्टेटमेंट सिर्फ क्या है, आपको कंटेक्स्ट देने के लिए कि हाँ टूरिज्म इंपॉर्टेंट है. लेकिन सवाल यहाँ पे ये पूछा है, व्हाट वैल्यूज आर एसोसिएटेड विद द प्रमोशन ऑफ टूरिज्म, टूरिज्म के प्रमोशन से आपको क्या वैल्यूज मिल रही है, टूरिज्म क्यों इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ टूरिज्म, सिंपल सी चीज ये पूछी गई है. तो इस क्वेश्चन से भी हम एक चीज सीख सकते हैं, जैसे इस क्वेश्चन से हमने सीखा कि जो क्वेश्चन पूछा है वो बताना, ठीक है, इस क्वेश्चन से हम क्या सीख सकते हैं कि क्वेश्चन कभी कभी ट्विस्ट होकर आता है, स्टेटमेंट सिर्फ क्या रहते हैं, शोपीस टाइप से रहते हैं, क्वेश्चन बेसिकली आपका कहीं और ही रहता है. तो व्हाट वैल्यूज आर एसोसिएटेड विद द प्रमोशन ऑफ टूरिज्म, तो कल्चरल इंटीग्रेशन होता है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज रहती है, लोकल हैंडीक्राफ्ट को सपोर्ट मिलता है, मल्टीपल पॉइंट्स हैं टूरिज्म के एडवांटेजेस पे, ठीक है, तो वो सारे पॉइंट्स लिख देना आपको. वैल्यूज एसोसिएटेड विद द प्रमोशन ऑफ टूरिज्म आर, इट मेक्स अस अवेयर ऑफ द ब्यूटी एंड रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ आर नेशन. ठीक है, हमारा जो प्यारा देश है, ठीक है, यहाँ पे कितनी विविधता है, कितना ज्यादा डाइवर्सिटी है, कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं नेचर के टर्म्स में, कल्चर के टर्म्स में. तो टूरिज्म, जब आदमी जब घर से बाहर निकलेगा तभी वो देख पाएगा सब कुछ, ठीक है, तो वो चीज प्रमोट होती है. ठीक, इट प्रमोट्स इंटर रीजनल रिलेशनशिप, जैसे अब यहाँ पे आसाम का जिक्र दिया है, तो अब क्या होगा कि एक साउथ इंडिया का इंसान जब नॉर्थ ईस्ट में जाएगा, एक नॉर्थ इंडिया का जब नॉर्थ ईस्ट में जाएगा, तभी तो हमारा कल्चरल इंटीग्रेशन होगा टूरिज्म की मदद से, हम उन्हें जान पाएंगे, वो हमें जान पाएंगे. ठीक है, वो हो गया. टूरिज्म एनकरेजेस कल्चरल परस्यूट्स एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू लोकल हैंडीक्राफ्ट. लोकल हैंडीक्राफ्ट को क्या करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, कल्चरल परस्यूट्स को प्रमोट करना, ये सारी चीजें आपको टूरिज्म में एडवांटेज के फॉर्म में देखने को मिल जाएगी. तो टूरिज्म एनकरेजेस कल्चरल परस्यूट्स एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू लोकल हैंडीक्राफ्ट. सो दिस इज द स्टोरी, समझ में आया. अगली चीज क्या है, What are the difference between democratic and non-democratic government in decision-making process? कहां से आया? Again, फिर एक और open-ended question हो गया ये. तो अब ये जैसे देखा जाए तो एक civics का last chapter है, वहां से भी relate कर सकते हो, लेकिन आपके outcomes of democracy से भी relate कर सकते हो. तो दोनों ही जगह, ठीक है, दोनों ही जगह, What are the difference between democratic and non-democratic government in decision-making process? तो आपको पता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है, स्लो होता है, डिले होते हैं वहां पे, लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक में क्या होता है, डिसीजन फास्ट होता है. मैंने आपको एक थंब रूल बताया था प्रॉब्लम सॉल्विंग पैकेट में, प्रॉब्लम सॉल्विंग पैकेट मतलब वो छोटे छोटे वीडियो लेक्चर्स का वो सीरीज है जो आप एक प्लेलिस्ट देख सकते हो, जहां पे मैं आपकी जो समस्याएं हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग लेंदी नहीं है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग चैप्टर लेंदी नहीं है, कैसे नहीं है तो वो मैंने उसमें बताया है. ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम्स रहती है वहां पे मैंने बताया. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग पैकेट में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि डिफरेंशिएट बिटवीन क्वेश्चन जब भी आएंगे ना तो वो डब्बे बना के लिखना. ठीक है, अब यहां जैसे अगर आप देखोगे तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, स्पेशल रेफरेंस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के कंटेक्स्ट में पूछा है कि क्या कैसे दोनों डिफरेंट है. तो इन डेमोक्रेसी द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन. ठीक है, डेलिब्रेशन और नेगोशिएशन के ऊपर बेस्ड होता है. ठीक है, नो डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन टेक्स प्लेस इन, कह सकते हैं नो डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन टेक्स प्लेस इन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. ठीक है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कोई डिस्कशन नहीं है, कोई डेलिब्रेशन नहीं है. फिर अगली चीज क्या है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम टेक टाइम इन एग्जीक्यूटिंग डिसीजंस. ठीक है, यहाँ पे डिसीजंस आप क्योंकि डिबेट हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, फाइल पास हो रही है तो डिले होते हैं. लेकिन यहाँ पे क्या होता है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट द लीडर नीड नॉट बॉदर देमसेल्व्स विद पब्लिक ओपिनियन एंड हैज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन सच सिस्टम इज क्विक. चुटकियां बजा के क्या होते हैं, यहाँ पे डिसीजन ले लिए जाते हैं. लेकिन इफेक्टिवनेस अगर देखी जाए तो पीपल्स पार्टिसिपेशन होता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में. कहा पीपल्स पार्टिसिपेशन होता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में, और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में क्या होता है,
पब्लिक हैव नो पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, पब्लिक जो है आम जनता जनार्दन है, उसका कोई हक नहीं होता है, कोई हिस्सा नहीं होता है। कहां पे? नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में। सो दिस इज द प्रॉब्लम। ठीक है, ये एक समस्या है। क्लियर हुआ? तो इस तरह से आप क्या कर रहे हो, 3 नंबर का क्वेश्चन आपने देखा, डिफरेंशिएट बिटवीन है, हमारा थंब रूल लगाया और आंसर बन गया। ठीक है, अगली चीज क्या है, हाउ डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इज अ मेजर चैलेंज टू मॉडर्न डेमोक्रेसीज, एक्सप्लेन। ये कब हुआ? ठीक है, ये सवाल कहां से आ गया? तो बेसिकली आप जैसे चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी वाला चैप्टर, सिविक्स का चैप्टर 8 है ना, वो पढ़ोगे। डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी में बेसिकली ये बताया गया कि डेमोक्रेसी तो पाकिस्तान भी है, लेकिन वहां पर यह समस्या है कि इंस्टीट्यूशंस मजबूत नहीं है, तो वहां पर डीपनिंग की जरूरत है। तो मतलब ये क्वेश्चन है ऐसा, लेकिन ये आपके सिलेबस का नहीं है, ये वो जो चैप्टर का है, जो चैप्टर हट गया है। ठीक है, तो हटाओ। फिर अगली चीज क्या है, अगला सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय फाउंडेशनल चैलेंज, ठीक है, इन डेमोक्रेसी, व्हाट वैल्यूज कैन हेल्प टू ओवरकम दीज चैलेंज। ठीक है, तो फाउंडेशनल चैलेंज की अगर बात की जाए, तो फाउंडेशनल चैलेंज में बेसिकली ये भी वो चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी वाले चैप्टर से आया है। फाउंडेशनल चैलेंज में कि आप कैसे एस्टैब्लिश करोगे डेमोक्रेसीज को, वो फाउंडेशनल चैलेंज होता है, अगेन आउट ऑफ सिलेबस। एक और क्वेश्चन जैसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में जो आता है, वो आता है, डिफाइन द टर्म लिबरलाइजेशन, एक्सप्लेन द रीजंस फॉर इंडियन गवर्नमेंट बिगिनिंग द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन इन 1991। अब मेरी एक बात यहां पे बहुत अच्छे से सुनो और समझो, क्या हो रहा ना, इस तरह के जब सवाल आएंगे, तो ये जो सवाल रहेंगे आपके, देखो एक चीज यहां से भी सीखते चल रहे हैं कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पार्ट्स में आते हैं। तो अब क्या हो रहा है, यहां पे आप अगर देखोगे तो 2 पार्ट है क्वेश्चन के, पहले पार्ट को आप 1 नंबर का वेटेज दे सकते हो, दूसरे पार्ट को 2 नंबर का वेटेज दे सकते हो, 1 और 2 3 हो गया। ठीक है, तो उसी तरह से क्या है, उसी तरह से आपको अब उसी तरह से आंसर करना रहेगा। तो पहले पार्ट में आप लिबरलाइजेशन को डिफाइन करो, लिबरलाइजेशन क्या है, तो रिमूविंग दी ट्रेड बैरियर्स, ठीक है, ऑफ एन इकोनॉमी इज नोन एज लिबरलाइजेशन। ठीक है, ये लिबरलाइजेशन कहलाता है। तो रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस सेट बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज लिबरलाइजेशन, सो दैट दी फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स कैन टेक प्लेस। और थोड़ा अगर एक्सप्लेन करना चाहो तो वो अपने शब्दों में, देखो यू आर फ्री टू राइट इन यूर ओन वर्ड्स। ठीक है, यही तो आप लर्निंग प्रोसेस का कह सकते हैं, जो हम आप पढ़ रहे हैं सीख रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप खुद से करना सीखो। तो यू आर फ्री टू राइट इन यूर वर्ड्स, बस ये बेसिक आइडियाज जो रहते हैं, तो बेसिक आइडियाज, बेसिक कीवर्ड्स जो रहते हैं, वो कीवर्ड्स मैंने मेंशन करे हुए हैं। तो रिमूविंग द बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस सेट बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। ठीक है, तो द इंडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड द पॉलिसीज ऑफ लिबरलाइजिंग द इकोनॉमी बिकॉज इट वॉज फेल्ट दैट द टाइम हैड कम फॉर द इंडियन प्रोड्यूसर्स टू कम्पीट विद द प्रोड्यूसर्स अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, क्योंकि क्या है, समय आ गया इंडियन गवर्नमेंट ने, क्यों, क्या रीजन रहे इंडियन गवर्नमेंट का पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन को स्टार्ट करने के पीछे। तो इंडियन गवर्नमेंट को ये समझ में आ गया क्या कि अब समय आ गया है, जिसके चलते आपको क्या करना पड़ेगा, इंडियन प्रोड्यूसर्स को अक्रॉस द ग्लोब जो प्रोड्यूसर्स उनके साथ कंपीट करना पड़ेगा। और इंडियन गवर्नमेंट ने यह भी सोचा कि क्या होगा, इट वॉज ऑल्सो रियलाइज दैट कॉम्पिटिशन वुड इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड द इंडियन क्वालिटी प्रोडक्ट। ठीक है, पहले क्या होता था, जो भी है जैसा भी बना के दे दो, रख लेंगे लोग तो अपने पास ही, क्यों, क्योंकि कोई कॉम्पिटिशन नहीं था। लेकिन जब कॉम्पिटिशन आएगा लिबरलाइजेशन के बाद में, तो ऑटोमेटिकली इंडियन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इंप्रूव होगी। ठीक है, तो ये जो 2 फैक्टर्स रहे हैं, आप वो लिख सकते हो कि क्यों सोचा गया और लिबरलाइजेशन क्या होता है वो। तो ये सारा पार्ट आपको लिखना होगा, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। फाइन, वी ऑफन कंप्लेन अबाउट लैक ऑफ सिविक एमिनिटीज लाइक इरेटिक वाटर एंड पावर सप्लाई, बैड रोड्स, ठीक है, बैड रोड्स, गार्बेज डिस्पोजल एक्सेट्रा, नेम द राइट दैट गिव्स द पावर ऑफ क्वेश्चन, डिस्कस। कहां से आया ये, अगेन कंज्यूमर राइट्स से क्वेश्चन है, कंज्यूमर राइट्स ये वाला चैप्टर इज नॉट इन योर सिलेबस। बाकी अगर मैं आपसे पूछूं तो इस सवाल का जवाब आप दे सकते हो क्या? देखो सिंपल सी चीज है, बेसिक्स है। अगर मान लो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में इस तरह से आ गया कि आप सरकार से किसी भी तरह का सवाल किस अधिकार के बेसिस पे कर सकते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन में अगर हम सरकार से कुछ पूछते हैं तो उसको रिप्लाई देना पड़ता है, ठीक है, व्हाट्सएप चैट पे नहीं, ठीक है, आपको प्रॉपरली एक इंस्टीट्यूशन के द्वारा, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन जो है, ठीक है, जानकारी का जो आपका अधिकार है उसके चलते आपको आरटीआई एक्ट जो है, तो आरटीआई एक्ट के थ्रू आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, दिस इज आउट ऑफ द सिलेबस। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्या है, रवि वर्क्स इन अ लेदर बैग मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट कंपनी, ही फील्स इनसिक्योर ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लेक्सिबल लेबर लॉज, हाउ कैन द गवर्नमेंट हेल्प हिम। कहां से आया है सवाल? ठीक है, तो ये जो सवाल आया है आपका, रवि वर्क्स इन द लेदर बैग मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट कंपनी, तो ये सवाल बेसिकली आपका आया है वाले ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर से, जहां पे हम ये देखते हैं ना इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज अनइवन, तो लोगों को घाटा भी हुआ। तो जैसे स्मॉल प्रोड्यूसर्स वगैरह, वर्कर्स वगैरह जो है, ठीक है, तो उन्हें क्या घाटा है कि उन्हें ये घाटा है कि एम्प्लॉयमेंट जो है ना वो अनसर्टेन हो गया है। ठीक है, देखो अब यहां रवि नाम देख के कंफ्यूज मत हो जाना कि ये स्मॉल प्रोड्यूसर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, ये फ्लेक्सिबल लेबर लॉज मतलब वो जो अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट में अनसर्टेनिटीज जो है ना,
वो वाला टॉपिक जो है, वो वाला एस्पेक्ट है बुक का, ठीक है, जहां पे सुशीला की कहानी दी गई है, तो उसी से एसोसिएट करना कि लेबर जो है, वर्कर्स जो है, तो उन्हें क्या है ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव इंपैक्ट ये सहना पड़ा कि ग्लोबलाइजेशन के चलते क्या है फ्लेक्सिबल लेबर लॉज वगैरह लाए गए, तो जिससे क्या है एम्प्लॉयमेंट कंडीशन बहुत अनसर्टेन हो गई है। खैर क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा, देखो तो रवि वर्क्स इन अ लेदर बैग मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट कंपनी, ही फील्स इनसिक्योर ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लेक्सिबल लेबर लॉज, ठीक है, हाउ कैन द गवर्नमेंट हेल्प हिम, सरकार उसकी मदद कैसे कर सकती है, दिस इज द क्वेश्चन, सरकार उसकी मदद कैसे कर सकती है। तो अब सरकार ऐसा तो नहीं बोल देगी कि लाओ मैं अपना जॉब छोड़ रहा हूं तुम संभालो रवि, ठीक है, सरकार क्या कर सकती है, सरकार वर्कर्स के इंटरेस्ट में लॉस बना सकती है, फैसिलिटेट कर सकती है, लेबर लॉस का मतलब ये नहीं कि बस किसी को कभी भी हायर और फायर कर दिया जाए, ठीक है, उसमें भी एक पैटर्न होना चाहिए। तो आप ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ध्यान रखना ओपन एंडेड क्वेश्चन है, यू आर फ्री टू राइट इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है, लेकिन कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ध्यान रखना यहाँ पे कि गवर्नमेंट कैन हेल्प हिम इन द फॉलोइंग वेज, इट शुड सेट सम लॉज सो दैट द कंपनीज आर बाउंड टू लुक फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्कर, ठीक है, कंपनीज जो है लेबर्स को परफॉर्मेंस के बेसिस पे निकाल सके, हायर कर सके, वो जरूरी है क्योंकि कंपनीज भी अपना परफॉर्मेंस देखे, लेकिन कंपनीज को अपने वर्कर्स के वेलफेयर के बारे में भी सोचना चाहिए, ठीक है, इट शुड सेट सम लॉज सो दैट द कंपनीज आर बाउंड टू लुक फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स, फाइन, इट मस्ट सी दैट द लेबर लॉज प्रोवाइड सम काइंड ऑफ जॉब सिक्योरिटी सो दैट नो वन कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज जॉब विदाउट एनी रीजन, ठीक है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना होगा क्या कि सरकार ये भी देखे कि लेबर लॉज प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रहे हैं, जॉब सिक्योरिटी है, ताकि किसी को भी उसकी जगह जॉब से यूं ही नहीं निकाला जा सके, ठीक है, द गवर्नमेंट शुड लुक इनटू द वर्किंग कंडीशंस एंड रेगुलेट देयर पे, गवर्नमेंट जो है तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए वर्किंग कंडीशंस के बारे में सोचना चाहिए कि फ्लेक्सिबल लेबर लॉज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को पानी भी नहीं पिला रहे, काम करवा रहे और बोल देंगे कि इसने पानी क्यों पिया, इसको हायर फायर कर दो, वर्किंग कंडीशन सही होना चाहिए, ठीक है, उनका जो कह सकते हैं पे होना चाहिए, तो पे भी क्या होना चाहिए डिसेंट पे होना चाहिए, तो ये कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हो एंड यू आर फ्री टू राइट पॉइंट्स इन योर ओन वर्ड्स इन योर ओन आइडियाज, ठीक है, बस ये है कि जेन्युइन चीज लिखना, ऐसा मत लिख देना कि रवि जो है तो विद्रोह कर दे, ठीक है, तो वो केस आपको ध्यान रखना होंगे कि आप थोड़ा सा वैलिड लेजिटिमेट और लेजिट पॉइंट जो है अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, यू आर फ्री फ्री फॉर दैट, क्योंकि इस तरह के ओपन एंडेड क्वेश्चन जो रहेंगे तो वहां पे आपको कोई बहुत स्पेसिफिक पार्ट से नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। अगला लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पे आ गए, चलो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस क्या है आपके, तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो है वो 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, अगेन थंब रूल वही रहेगा, 5 पॉइंट मिनिमम आपके जाना चाहिए, 5 आइडियाज आपको शो करना चाहिए। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो है उसमें क्या है, पहला सवाल ये रहा, इक्वेलिटी बिफोर लॉ डिड नॉट स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज इन फ्रांस After the revolution, explain with suitable examples. तो ये वो वाली बात है कि सिर्फ क्या है एक्टिव सिटीजन को वोटिंग राइट दिया था, बोलोगे सर तो 9th का क्वेश्चन है, 9th का नहीं है, फ्रेंच रेवोल्यूशन मतलब ये जो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है वहां से क्वेश्चन उठ के आया है, ठीक है, फ्रेंच क्लेम दैट इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन वियतनाम इस वुड क्रिएट एन एशियाटिक फ्रांस टाइड सॉलिडली टू यूरोपियन फ्रांस, ठीक है, ये जो है तो ये वो इंडो चाइना वाला एक चैप्टर हुआ करता था पहले बुक्स में, अब तो बुक्स से भी चला गया वो, ठीक है, वहां से आया, तो दिस इज कंप्लीटली आउट ऑफ सिलेबस, फाइन। अगला क्वेश्चन क्या है, कैटेगराइज एंड डिस्कस द डिफरेंट अर्बन सेगमेंट्स विच जॉइन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड दिस इज द फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज द फेवरेट क्वेश्चन फॉर मी फ्रॉम दिस होल सेट ऑफ सैंपल क्वेश्चंस विच आर गिवन बाय द सीबीएसई, ठीक है, कौन क्यों ये फेवरेट है समझो इस चीज को अच्छे से, समझना आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको यहां पे, बेसिकली क्या हो रहा है ना आपसे 5 नंबर में क्वेश्चन, ठीक है, एक पैराग्राफ के बहुत नैरो पार्ट से पूछा है और यहां आपकी क्रिएटिविटी यहां आपकी अंडरस्टैंडिंग आपको ये आंसर करवाएगी, क्या है क्वेश्चन ये पूछा है, कैटेगराइज एंड डिस्कस डिफरेंट अर्बन सेगमेंट्स विच जॉइन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कौन कौन से अर्बन सेगमेंट्स थे जिन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ज्वाइन किया, ठीक है, अर्बन सेगमेंट पूछा है अर्बन, अब इसमें आप ये बस ये सुन लिया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कौन कौन थे और धनाधन लिखना चालू कर दिया उसमें, प्लांटेशन वर्कर अलूरी सीताराम राजू बाबा रामचंद्र सब लिख दिया, पूछा ही नहीं है आपसे वो, ठीक है, वो आपसे पूछा ही नहीं है, पूछा क्या है कि आपसे अर्बन सेगमेंट, इनफैक्ट क्या है जो आंसर की दी गई है तो मैं तो उससे भी डिसएग्री करता हूं, जब आपने अर्बन सेगमेंट लिखा तो अर्बन सेगमेंट भी बताओ, तो अब रिकॉल करो अर्बन सेगमेंट में आप क्या बोलोगे, सबसे पहले तो जैसे अर्बन सेगमेंट में क्या हो रहा है कि जो कांग्रेस और कांग्रेस वर्कर्स होंगे उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, सही बात है, ठीक है, कांग्रेस और कांग्रेस के वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया, दे ऑर्गेनाइज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन द लाइंस विच पार्टी टुक, ठीक है, वो हो जाएगा, फिर क्या होता है, फिर आपको देखने को मिलता है कि स्टूडेंट्स और टीचर्स, इन्हें तो एक ही कैटेगरी में डालेंगे ना, स्टूडेंट टीचर्स
भाई भाई ठीक, तो उस केस में क्या है, उस केस में स्टूडेंट्स ने पढ़ना छोड़ दिया, टीचर्स ने भी रिजाइन कर दिया, ठीक है, दूसरा सेक्शन हो गया। तीसरा लॉयर वगैरह के बारे में लिख सकते हो। चौथा आप क्या लिख सकते हो, जो मासेज है, मासेज ने कैसे पार्टिसिपेट किया, तो उन्होंने बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया, स्वदेशी को अडॉप्ट कर लिया, लिकर शॉप्स वर पिकेटेड, ये सारी चीजें, ठीक है। और अर्बन सेगमेंट में ट्रेडर्स और मर्चेंट्स के बारे में लिख सकते हो कि उन्होंने क्या कर दिया, दे रिफ्यूज टू ट्रेड इन दी कह सकते हैं फॉरेन प्रोडक्ट्स, और उसके चलते जो इंपोर्ट था वो ड्रामेटिकली आधे पे रिड्यूस हो गया। समझ में आया? तो ये पांच सेक्शन देखो, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन थे। दिमाग जब ऐसे क्वेश्चन आए ना जो आपको डायरेक्ट नहीं है, जो थोड़ा से ट्विस्टेड है, जो थोड़ा से बहुत इंटरनल आते हैं, तो वहां पे पैनिक मत होना। सबसे पहली चीज, तो सबसे पहली चीज क्या, आपको पैनिक नहीं होना है। सबसे पहली चीज ये रहेगी कि आपको रिकॉल करना है कि कहां से आया है सवाल, कहां से आया है। अब आपको कहानी पूरी पता है तो उस कहानी से पॉइंट्स बनाना है, सिंपल सी चीज, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप ये मतलब कैटेगराइज एंड डिस्कस, तो आप क्या कर सकते हो, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के बारे में लिख सकते हो। यहाँ पे ये मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक अपने अपने आंसर शीट में, ठीक है, मतलब आंसर शीट में सेंस पेपर पे लिखना कि ये कैटेगरीज मैंने आपको बता दिया, अब इनका पार्टिसिपेशन कैसा था उसको डिस्कस कर देना, क्योंकि पांच नंबर का क्वेश्चन है, नाम लिख के नहीं आना है बस। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया, लॉयर जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया, कांग्रेस एंड इट्स मेंबर्स, कॉमन मासेस ने पार्टिसिपेट किया बॉयकॉटिंग, ठीक है, पिकेटिंग, वो सारी चीजें, मर्चेंट्स और ट्रेडर्स ने बॉयकॉट किया, तो इसमें आप पूरा लिख सकते हो, ट्रेड वैल्यू जो है वो गिर गया, आधा हो गया लगभग लगभग, वो सारी चीजें। क्लियर हुआ? सो दिस इज द होल स्टोरी, ठीक है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। ये आपको समझ में आया क्वेश्चन, आया तो आंसर जरूर लिखिएगा, ये इस सेशन के खत्म होने के बाद की एक्सरसाइज है आपकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोड डेंसिटी। देखो यू आर फ्री टू डू दैट, आप आंसर लिखो, आंसर लिख के क्या करते हो, सोशल मीडिया पे डाल दिया करो, अपने फ्रेंड्स को टैग कर दिया करो। मैं तो अब इंस्टाग्राम चलाता नहीं, ठीक है, लेकिन आप क्या कर सकते हो वहां पे वो कर सकते हो, टैग कर सकते हो और बताते हो, मतलब आपस में शेयर कर सकते हो कुछ भी। बाय द वे जैसे मैं ये सजेस्ट करूंगा कि चार पांच दिन तो आप दूर ही रहो उन सारी चीजों से, वैसे सोशल मीडिया से तो ज्यादा बेहतर है, चार पांच दिन का जब तक एग्जाम चल रहे हो, तो क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस है, ठीक है। और डिस्ट्रैक्शंस से बचने का सीधा सा तरीका यह है कि कट देम ऑफ, ठीक है, एक तरफ हटा दो। अगला सवाल ये रहा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोड डेंसिटी। हाँ जी, रोड डेंसिटी, अब क्या करें सर, ये सिलेबस का तो पार्ट है, ठीक है, सिलेबस का तो पार्ट है, क्यों, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी वाले में रोड डेंसिटी, रोड तो वहां पे है ही, ठीक है, लेकिन वो रोड डेंसिटी वाला टॉपिक जो अब नई बुक से हटा दिया है। फिर भी मैंने क्यों पढ़ाया था आपको, फिर भी मैंने क्यों पढ़ाया था, क्योंकि गॉड नोस क्या है कि कभी कभी थोड़ा सा 19-20 चीजें चल जाती है, तो जो एक टीचर होता है ना वो एक होलिस्टिक व्यू लेके चलता है, इसीलिए मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था तो दिया था सैंपल क्वेश्चन जो सीबीएसई ने दिया उसमें डाला है रोड डेंसिटी। चलो खैर, रोड डेंसिटी तो एक लाइन में निपटा सकते हैं। अगेन दो पार्ट्स में क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी फोर मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय रोड ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, फोर मेजर प्रॉब्लम्स बताना है, तो नंबर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, 4+1, ठीक है, 4+1 5, इस तरह से नंबर मार्क्स जो डिस्ट्रीब्यूटेड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोड डेंसिटी, तो रोड डेंसिटी का मीनिंग ये है, ठीक है, कि लेंथ ऑफ रोड इन 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया, ठीक है, 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितनी रोड है, ठीक है, वो क्या है, रोड डेंसिटी कहलाता है, ठीक है, वो रोड डेंसिटी कहलाता है। अब आपको फोर मेजर प्रॉब्लम जो है जो फेस की जाती है रोड के द्वारा इंडिया में वो बताना है। तो क्या है, रोड जो है सफिशिएंट नहीं है, उसके बाद में क्या देखने को मिलता है, अनमेटल्ड रोड होते हैं जो क्या होते हैं, आउट ऑफ यूज चले जाते हैं बारिश वारिश में, ठीक है, उसके साथ साथ में और क्या क्या समस्याएं जा रही है, तो फिर जैसे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ब्रिजेस जो है, कलवर्ट्स वगैरह जो है, बहुत पुराने ब्रिटिश, ठीक है, प्राचीन निकाल के चले आ रहे हैं, तो कब गिर जाए क्या भरोसा, तो ये कुछ चैलेंजेस हैं, ठीक है, थीके? तो उस तरह से चार चैलेंज और रोड डेंसिटी बता दिया। तो द लेंथ ऑफ रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया इज नोन एज रोड डेंसिटी, ठीक है, तो 100 स्क्वायर किलोमीटर में कितनी लेंथ है रोड की, तो वहां से आपको रोड डेंसिटी पता चलेगी, ठीक है। इंडिया में कुछ स्टेट्स में रोड डेंसिटी बहुत कम भी है और कुछ स्टेट्स में बहुत ज्यादा भी है, फाइन। फिर अगली चीज क्या है, रोड नेटवर्क इज इनएडिक्वेट इन इंडिया, सफिशिएंट नहीं है, जितना होना चाहिए उतना रोड नेटवर्क नहीं है, बहुत सारी जगह आज भी क्या है, रोड से कनेक्टेड नहीं है, बाय रोड कनेक्टेड नहीं है, वंचित है। क्या है, रोडवेज आर हाईली कंजेस्टेड इन सिटीज, एक चैलेंज ये भी है कि रोडवेज एक चैलेंज ये फेस करता है कि रोडवेज बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है सिटीज में, पूरी जनता जनार्दन उलट के कहां आ जाती है रोड पे, ठीक है, उसके चलते क्या है, कंजेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो द रोडवेज आर हाईली कंजेस्टेड इन सिटीज, अबाउट हाफ ऑफ द रोड्स आर अनमेटल्ड, ठीक है, आधे से ज्यादा रोड जो है वो अनमेटल्ड है, दिस लिमिट्स देयर यूसेज ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ठीक है, तो रेनी सीजन के टाइम पीरियड में क्या होता है, इसी के चलते रेनी सीजन के टाइम पीरियड में इसी के चलते जो कह सकते हैं अनमेटल रोड से तो कीचड़ कीचड़ हो जाता है, गप जाते हैं लोग वहां पे, ठीक, ये हो गया। मोस्ट ऑफ द ब्रिजेस एंड कलवर्ट्स आर ओल्ड एंड नैरो, कलवर्ट्स मतलब क्या, ब्रिटिश टाइम पीरियड में जो इस तरह के वो बनाए जाते ना, मतलब इसको आप क्या कह सकते हैं कि यहां से नीचे से आदमी निकल सके, तो वो कलवर्ट्स होते हैं, ठीक है, थीके? तो ये रोड ऊपर से जा रहा है और नीचे से लोग निकलते हैं ना, जैसे कहीं कहीं पर रेलवे क्रॉसिंग में आपने देखा होगा, ठीक है, उस तरह से वो जो कलवर्ट्स वगैरह होते हैं वो बहुत पुराने हैं, कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं, फाइन। अगली चीज, इफ जूट इंडस्ट्री हैज टू बी सेटअप विच वुड बी द बेटर लोकेशन, दामोदर बेसिन और हुगली बेसिन,
अच्छा क्वेश्चन है ये भी, तो यहां पे आपको थॉट प्रोवोकिंग है, गिव फाइव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर, मतलब आपसे डायरेक्टली नहीं पूछा कि व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड द लोकलाइजेशन ऑफ जूट टेक्सटाइल, ठीक है, जूट मतलब जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसका लोकलाइजेशन हुगली बेसिन में है, ये आपको पता है, ठीक है, ये आपने पढ़ा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, तो आपसे डायरेक्ट ये नहीं पूछा कि क्यों, आपसे पूछा कि कहां एस्टैब्लिश करोगे और क्यों करोगे, ठीक है, तो कहां करोगे तो नो डाउट आपका आंसर हुगली बेसिन ही होगा, तो स्टार्ट ऐसे ही करना है आपको क्या कि आई वुड प्रिफर, ठीक है, आपसे पूछा ना, हाँ, तो आपसे पूछा है कि इट वुड बी प्रिफर्ड टू एस्टैब्लिश, ठीक है, जूट इंडस्ट्रीज नियर हुगली बेसिन, ठीक है, अब कारण क्या है, तो फॉलोइंग आर द रीजंस टू एस्टैब्लिश जूट इंडस्ट्रीज नियर हुगली बेसिन, क्या रीजंस है, तो आप सबसे पहले कहोगे क्या है कि अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशियंट वाटर फॉर प्रोसेसिंग रॉ जूट, आप जो जूट है तो जूट इंडस्ट्री वाटर इंटेंसिव है, ठीक है, और वहीं पे फिर आप ये एक पॉइंट वाटर इंटेंसिव है तो वाटर की अवेलेबिलिटी है, दूसरा लिख सकते हो कि वाटर प्रोसेसिंग के लिए तो है ही है, साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी क्या है, चीप वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, नेशनल वाटरवे नंबर वन वगैरह सब मिल जाएगा आपको, सी ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएगा, ठीक है, तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन है, मार्केट है, मार्केट के बाद में चीप लेबर्स अवेलेबल है इन द एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ बिहार, ठीक है, बिहार हो गया, उत्तर वेस्ट बंगाल हो गया, तो वहां से आपको क्या मिल जाएंगे, लेबर्स भी मिल जाएंगे बहुत सारे, समझ में आ रहा, फिर जो जैसे अर्बन सेंटर्स सच एज कोलकाता वगैरह जो है तो आपको अर्बन फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देता है, फाइनेंस मार्केट ये सब कुछ, तो मल्टीपल रीजंस हैं जो ये प्रूफ करते हैं कि हुगली बेसिन जो है वहां पे आप जूट इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश कर सकते हो, ठीक है, एंड हियर आर दी पॉइंट्स, तो एक इंट्रो दे सकते हो आप वैसा ही जैसे मैंने बताया जिसमें आप हुगली बेसिन मेंशन कर दोगे, कारण क्या लिख सकते हो, व्हाट आर दी रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर, प्रॉक्सिमिटी ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया टू हुगली बेसिन, ठीक है, इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडेड बाय द हुगली रिवर्स, इट इज वेल कनेक्टेड बाय गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज वाटरवेज एंड रोडवेज टू फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स टू द मिल्स, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर इन एडजॉइनिंग एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल एंड बिहार, ठीक है, वेस्ट बंगाल और बिहार के एरिया में आपको सस्ते लेबर्स मिल जाएंगे, अबंडेंट वाटर फॉर प्रोसेसिंग रॉ जूट, ठीक है, इसके अलावा आप कोलकाता का मार्केट फैसिलिटीज वगैरह, तो मल्टीपल पॉइंट्स है, पांच से ज्यादा पॉइंट्स आपके बन सकते हैं, समझ में आया, सो दीज आर दी पॉइंट्स विच यू कैन राइट फॉर दिस क्वेश्चन, समझ में आया, अगली चीज क्या है, हैज डेमोक्रेसी लेड टू द प्रमोशन ऑफ डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजंस, डिस्कस विथ एग्जाम्पल, हाँ जी, अब यहां पे एक चीज मैं बताता हूं आपको, जब इस सवाल मतलब इस चैप्टर से सवाल आते हैं कौन सा, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो कुछ बच्चे तो क्या है, कुछ बच्चे तो क्वेश्चन भी नहीं पढ़ते हैं, कुछ बच्चे तो बस सवाल देख के बोलते हैं सर नहीं बन रहा हटा दो, ठीक है, भाई ये जो अप्रोच है ना आपकी क्या कि हम दिमाग पे पहले ही ताला डाल के बैठ गए कि हमसे बनेगा ही नहीं, तो वो सबसे वो मतलब वो पहला ट्रेट है इन द डिक्लाइनिंग फेज ऑफ योर प्रिपरेशन, ठीक है, आप गलत तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप इस अप्रोच के साथ प्रिपरेशन करोगे ये तो बनेगा नहीं हटा दो, एग्जाम में याद आएगा तो छोड़ के जाएंगे हम बाकी के ध्यान देंगे, ये बहुत गलत अप्रोच होती है, ठीक है, सबसे पहली चीज पता है जीत के लिए क्या होती है, यू हैव टू फेस द क्वेश्चन विद द कॉन्फिडेंस, आने दो समझेंगे जो होगा वो, ठीक है, तो कॉन्फिडेंस के साथ पहले क्वेश्चन तो समझो, ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डेमोक्रेसी लेड टू द प्रमोशन ऑफ डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन, कहां से आया, तो लास्ट वाला पॉइंट जो है मतलब लास्ट वाला टॉपिक जो है चैप्टर का, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, तो डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर, ठीक है, डेमोक्रेसी में हो सकता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ ना हो, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज ज्यादा हो, डेमोक्रेसी में हो सकता है कि क्या हो, अकोमोडेशन भी ना हो, डायवर्सिटी का अकाउंटेबल भी ना हो, रिस्पॉन्सिव भी ना हो, लेकिन एक चीज जो आपको डेमोक्रेसी में फॉर श्योर मिलेगी वो क्या मिलेगी कि डेमोक्रेसी हैज लेड टू द प्रमोशन ऑफ डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजंस, ये आपको एक्सप्लेन करना है, तो आप इसमें बताओगे कि डेमोक्रेसी क्या है, इंडिविजुअल्स के राइट्स को ट्रीट करने में इक्वालिटी देने में सबसे ज्यादा विश्वास रखती है, ठीक है, एग्जाम्पल में आप विमेन वाला कास्ट इनइक्वालिटीज वाला एग्जाम्पल लिख सकते हो, आप ये लिख सकते हो कि डेमोक्रेसी जो है तो डेमोक्रेसी क्या करती है, डेमोक्रेसी एक तरह से अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करने का स्कोप देती है जहां पे इंडिविजुअल्स जो रहते हैं ना इंडिविजुअल्स को सर्वोपरि माना जाता है, ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो बहुत अच्छी तरह से, ये रहा आपका आंसर क्या है, इट रिकॉग्नाइजेस द पैशन ऑफ रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम ऑफ दी पीपल, ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई, डिग्निटी और फ्रीडम कैसे मिल रही, क्योंकि डेमोक्रेसी वो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो एटलीस्ट रिकॉग्नाइज तो कर रही है, दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप वगैरह में तो रिकॉग्निशन भी नहीं है ना उस चीज का कि इंडिविजुअल्स की डिग्निटी इंडिविजुअल्स के राइट्स पे फोकस किया जाएगा, तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है, अब आप वुमेन वाला एग्जांपल लिख सकते हो क्या, तो सिंस पास्ट मोस्ट सोसाइटीज आर मेल डोमिनेटेड उसी के साथ साथ क्या लिख सकते हो, एंड वुमेन डू नॉट गेट इक्वल चांस इन डेमोक्रेसीज, इक्वल रिस्पेक्ट एंड ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन हैज बीन एक्सेप्टेड, तो ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, मतलब ये आपने एक एग्जांपल दे दिया वुमेन वाला कि वुमेन किस तरह से डेमोक्रेसी डिग्निटी एंड फ्रीडम को प्रमोट करती है, इट हैज हेल्प द डिसएडवांटेजेस एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट ऑफ सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग देम विद द इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज, देखो आंसर की मैं आपको बहुत सारे टिपिकल एग्जांपल्स मतलब टिपिकल एग्जांपल्स तो नहीं है एग्जांपल्स ही लेकिन टिपिकल लैंग्वेज में दिया है, इसीलिए मैंने आपको
लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में करके थोड़ा सा कंप्रेस करके इजी वर्ड्स पे करके दिया है, तो आई होप आप एसोसिएट कर पाओगे और आंसर्स आते भी हैं तो आपको वहां पे ऐसा नहीं है कि कह सकते हैं कि वोकैबुलरी का अवार्ड जीत के लाना एग्जाम में लिख के। सिंपल लिखना, टू द पॉइंट लिखना, इजी वर्ड्स लिखना, एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए चीजें, ठीक है, चीजें एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। ठीक, यहां पे क्या है अगला पॉइंट, तो इट हैज हेल्प द डिसएडवांटेज्ड एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट ऑफ द सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग देम विद द इक्वल अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, ऑल्दो देयर मे बी इंस्टेंसेस ऑफ कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज एंड एट्रोसिटीज दे लैक द मॉरल एंड लीगल फाउंडेशन एंड दिस प्रूव्स डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन इज ग्रांटेड इन डेमोक्रेसी। तो इंस्टेंसेस आपको देखने को मिलेंगे जहां भेदभाव हो रहा है लेकिन इसका कोई लीगल मॉरल ग्राउंड, मतलब लीगल मॉरल ग्राउंड नहीं होता है डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी इन सारी चीजों को क्या करती है, खुल के अपोज करती है। ठीक है, डेमोक्रेसी क्या करती है, जनता जो है ना, तो इट ट्रांसफॉर्म पीपल फ्रॉम द स्टेटस ऑफ बीइंग सब्जेक्ट्स टू बीइंग सिटीजंस हु हैव राइट्स एंड ड्यूटीज। डेमोक्रेसी क्या कर देती है, सिर्फ आम जनता को ऐसे आम की तरह नहीं समझती है कि बस आम है और गुठलिया है। ठीक है, वो बेसिकली क्या कर रही है, इट इज ट्रांसफॉर्मिंग दी पीपल फ्रॉम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इन द सेंस कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है, कि बस इन्हें संभाले। ठीक है, वो लोगों को सशक्त करती है डेमोक्रेसी, वो उनको डिग्निटी देती है, उनको फ्रीडम ऐसे देती है कि उनके पास राइट्स होते हैं, ड्यूटीज होती है। तो पीपल आर बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द सब, पीपल आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सिटीजंस। ठीक है, दे आर नॉट कह सकते हैं लिमिटेड, they have not limited their identity to subjects only, they have transformed into being citizens. समझ में आया, तो this was the case for this question. अगला सवाल ये है, explain the role of opposition parties in democracy. अब एक और चीज है, देखो आंसर आपको कहीं से भी मिल सकते हैं, कोई भी मिल सकता है, आंसर की में ही दिए हैं। ये मैं वीडियो बनाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव आपको बता रहा हूँ, वीडियो बनाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव होता है कि आप अप्रोच सीखो। एक और चीज हम यहाँ पे क्या सीखने वाले, देखो तो एक और चीज जो हम यहाँ पे सीखने वाले वो ये सीखने वाले हैं कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ अपोजिशन पार्टीज इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में अपोजिशन पार्टीज का क्या रोल होता है आपको ये बताना है। डेमोक्रेसी की बात हो रही है, ठीक है, अब डेमोक्रेसी की जब बात हो रही है तो डेमोक्रेसी में बेसिकली आप बोलोगे हाँ सर लिख देंगे, लेकिन फिर आपको ध्यान आएगा कि जो फंक्शंस ऑफ डेमोक्रेसी, फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ते हम, तो उस पॉलिटिकल पार्टी वाले पार्ट में सिर्फ एक पॉइंट दिया है और उस एक पॉइंट पे 5 नंबर का क्वेश्चन बना दिया है, और यही दिक्कत आप लोगों के साथ जाती है, यही प्रॉब्लम आप फेस करते हो। तो उस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से हम वो वाली प्रॉब्लम को डील करने वाले, टैकल करने वाले। क्या है कि 5 नंबर का क्वेश्चन है, कॉन्टेंट बहुत कम है, सर कैसे लिखेंगे, हमें तो बस इतना पता है कि अपोजिशन क्या करती है, जो पार्टी आज पावर में उसको अपोज करती है। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन कैसे लिखेंगे। तो अब क्या हो गया, अब ऐसी दुविधा में जब फंसते हो ना, जब कंटेंट बहुत छोटा है, बड़े आंसर में पूछ लिया लॉन्ग आंसर में, तब क्या लिखें सर, तब आपको एक चीज बता रहा हूं मैं, तब आप इर्द गिर्द जा सकते हैं। इर्द गिर्द क्या होता है सर, इर्द गिर्द मतलब आप फिर आप टॉपिक के, टॉपिक को सेंटर में रखते हुए आंसर बना सकते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू राइट 5 पॉइंट्स। ठीक है, तो अपोजिशन पार्टीज का रोल डेमोक्रेसी में बताइए, तो टॉपिक के इर्द गिर्द क्या, तो एक पॉइंट में तो आप अपोजिशन को समझा दो, अपोजिशन पार्टीज होती क्या है। ठीक है, तो आपने अपोजिशन पार्टी बता दी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज पावर में नहीं आती है, जो मेजोरिटी वोट्स नहीं गेन कर पाती है, ठीक है, वो क्या बन जाती है, अपोजिशन पार्टीज बन जाती है। तो आपने एक पॉइंट तो चलो यहां से मार लिया। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं आप, दूसरा पॉइंट अब देखो, अब यहां से ढूंढने की कोशिश करो रोल क्या होता है। तो ये करती है कि वो क्या करती है, एक तरह से सपोर्ट गैदर करती है अगेंस्ट में, ठीक है, और फेवर में, ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर या फिर पार्लियामेंट के बाहर, ठीक है, रूलिंग पार्टी के फेवर में या रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में वो सपोर्ट गैदर करती है। वो क्या करती है, जो अपोजिशन पार्टीज होती है ना, वो एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड करती है। अपोजिशन का मतलब क्या है कि वो अपोजिशन जो है कि अगर आपको रूलिंग पार्टी पसंद नहीं आ रही तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है, अपोजिशन में जो बैठे हैं लोग, ठीक है, उन्हें पावर में ले आओ। फिर क्या, उसी के साथ साथ मेन काम जो होता है तो वो क्या करती है, क्रिटिसाइज करती है किसको, रूलिंग पार्टी को, रूलिंग पार्टी अथॉरिटेरियन ना हो जाए, वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना कर ले, ये चेक लगाती है। मैंने आपको 6 पॉइंट बता दिए, ठीक है, 5 आप लिख सकते हो आपकी मदद के हिसाब से। तो ऐसा बताना कि राइट एनी 5 और आप 6 लिख के आ जाओगे, बोलते हो 5 चेक कर लो कोई भी, ऐसा स्टैंड मत करना, ठीक है, जितना पूछा उतना लिख के आना। बेसिकली यहां क्या जाएगा आंसर, तो इन अ डेमोक्रेसी, ठीक है, इन अ डेमोक्रेसी पोलिटिकल पार्टीज परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस, द पार्टीज व्हिच डू नॉट गेट मेजोरिटी सीट्स एंड लूज इन द इलेक्शन आर कॉल्ड अपोजिशन पार्टीज। अपोजिशन पार्टीज क्या है ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो डेमोक्रेसी में आपको क्या देखने को मिलता है कि पार्टीज जो है मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है, जिसमें से एक पार्टी का फंक्शन ये भी होता है कि अपोजिशन पार्टी बनती है, और जो पार्टी लूज कर जाती है इलेक्शन, जो मेजोरिटी इलेक्शंस में जीत नहीं पाती है, ठीक है, वो अपोजिशन बनती है। इट प्रोवाइड्स, ठीक है, इट प्रोवाइड्स टू द पीपल अल्टरनेटिव पॉलिसीज एंड क्रिटिसाइज गवर्नमेंट एंड रिस्ट्रिक्ट्स देम फ्रॉम मिसयूजिंग द पावर। ठीक है, गवर्नमेंट पावर का मिसयूज ना कर ले, उस चीज के लिए रिस्ट्रिक्ट करती है जो रूलिंग पार्टी होती है उसको, कौन, अपोजिशन पार्टीज। इट गैदर सपोर्ट और अपोजिशन
फॉर और अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी इन द लेजिस्लेचर, ठीक है। तो लेजिस्लेचर में क्या है, वो या तो रूलिंग पार्टी को सपोर्ट देती है, जैसे कभी कभी आप देखते ना कि रूलिंग पार्टी को कोई लॉ पास करने के लिए 2/3 सीट चाहिए रहती है, लेकिन उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा होता, तो अपोजिशन के लोग जो एग्री करते हैं कि लॉ अच्छा है तो वो सपोर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से ऐसा नहीं कि हमेशा अपोजी करती है कि अपोजिशन लिखा है तो अपोजी करेगी, तो वो इट गैदर सपोर्ट और अपोजिशन फॉर और अगेंस्ट, ठीक है, सपोर्ट फॉर और या फिर कह सकते हैं अपोजिशन अगेंस्ट, ठीक है, द रूलिंग पार्टी इन द लेजिस्लेचर। समझ में आया ना पॉइंट, ये लिख सकते हो The opposition is always a viable alternative to the ruling government. Ruling government जो होती है, ruling government का एक viable alternative होती है कि ये पसंद नहीं आ रहे तो option में दूसरे लोग बैठे हैं जो opposition में, इनको पलटी करवा के power में ला दो, ठीक है। The opposition parties keep a watch over ruling party. Opposition parties जो होती है तो ruling party के ऊपर एक watch, मतलब एक तरह से ऐसा ना कि ruling party अपने power का गलत इस्तेमाल ना कर ले, तो उसे watchdog का काम कौन करेगा यहाँ पे, यहाँ पे watchdog का काम कर रही है opposition parties। जैसे ruling party अपनी power मतलब जो कह सकते हैं ना जो डेमोक्रेटिक तरीका है उससे बाहर जाती है, तो आप पार्लियामेंट में देखते हैं ना कुर्ते फाड़ने लगते लोग एक दूसरे के, ठीक है, वो चीज होती है। तो अपोजिशन पार्टी पार्टीज कीप अ वॉच ओवर रूलिंग पार्टी। आया समझ में? तो घबराना नहीं है सबसे पहले आपने, ठीक है, आपने पहले किस चीज पे फोकस करना है कि क्वेश्चन क्या है और आप अपनी कंसाइंस का इस्तेमाल करके क्या आंसर बना सकते हो, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, 5 नंबर लिखना है ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज नॉट बीन यूनिफॉर्म, डू यू एग्री, गिव रीजंस टू सपोर्ट यूर आंसर। अब ये ग्लोबलाइजेशन चैप्टर से क्वेश्चन आया है, कहां क्या आया है कि जो ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट है वो यूनिफॉर्म नहीं है। डू यू एग्री, गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर। यस आई एग्री दैट द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर नॉट यूनिफॉर्म, वी कैन आइडेंटिफाई दिस फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो आप एक बढ़िया से इंट्रो देके, ठीक है, आप अपना आंसर ऐसे चालू कर सकते हो, क्या रहेगा तो आपको पता है। देखो नॉट यूनिफॉर्म में आप क्या लिखोगे कि नॉट यूनिफॉर्म में एडवांटेजेस भी मिले और डिसएडवांटेजेस भी। तो पहले एडवांटेजेस बता दो कि कंज्यूमर्स को कुछ फायदा मिला कि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद में एक एडवांटेज होगा कि कुछ लोकल कंपनीज मल्टीनेशनल कंपनीज में कन्वर्ट हो गई है, लेकिन एट द सेम टाइम हम डिसएडवांटेजेस भी देख रहे हैं, यूनिफॉर्म नहीं है कैसे। तो आप क्या देखोगे, जो लोकल स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे जैसे कैपेसिटर प्रोड्यूसर हो गया, ये सारे टॉय मेकर्स हो गए, ठीक है, वो बहुत बुरी तरह से क्या हो गए, पिटाए हैं, कब, ग्लोबलाइजेशन की मार के चलते, ठीक। फिर जो वर्कर्स हैं तो उनका एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस अनसर्टेन हो गया है, ऐसा नहीं। तो वो सारे पॉइंट्स के थ्रू आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बता सकते हैं और एक कंक्लूसिव नोट दे सकते हैं। तो यहां पे वही है कि ग्लोबलाइजेशन हैज बीन ऑफ एडवांटेज टू कंज्यूमर्स, पर्टिकुलरली द वेल ऑफ सेक्शन, एंड हैव द ग्रेटर, दे हैव द ग्रेटर ग्रेटर टू चॉइसेस टू चूज फ्रॉम, ग्रेटर चॉइसेस टू चूज फ्रॉम, ठीक है, ग्रेटर चॉइसेस टू चूज फ्रॉम। फाइन, सेवरल टॉप इंडियन कंपनीज हैव एबल टू बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज्ड कंपटीशन, एग्जांपल टाटा मोटर्स, इंफोसिस, रेनबैक्सी। तो बहुत सारी टॉप कंपनीज जो है वो खुद मल्टीनेशनल कंपनीज बन गई है, ये ग्लोबलाइजेशन का ही क्या है, वो है इफेक्ट है। फिर क्या है, फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स, ग्लोबलाइजेशन हैज पोस्ड मेजर चैलेंज, प्रोड्यूसर्स ऑफ बैटरीज, टॉयस, कैपेसिटर्स हैव हिट हार्ड, ठीक है। तो आप ये नॉट, जो मतलब नॉट यूनिफॉर्म बताया जा रहा है ना, तो वो नॉट यूनिफॉर्म ऐसे आप ये बता सकते हो क्या कि जो प्रोड्यूसर्स थे किस चीज के, कैपेसिटर, बैटरीज वगैरह, इनके तो दे हैव बीन हिट हार्ड। फिर क्या है, ग्लोबलाइजेशन एंड द प्रेशर ऑफ कंपटीशन हैव चेंज्ड द लाइव्स ऑफ वर्कर, ठीक है, देयर एम्प्लॉयमेंट बिकम अनसर्टेन, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ग्लोबलाइजेशन जो है तो उसने एक तरह से प्रेशर, एक कॉम्पिटिशन क्रिएट कर दिया, जिसके चलते क्या वर्कर्स की लाइफ जो है वो चेंज हो गई है, ठीक है। जैसे सुशीला का एग्जाम्पल है, आप वो एग्जाम्पल चाहो तो मेंशन कर सकते हो, जैसे एग्जाम्पल ऑफ रवि यहाँ लिख सकते हो, एग्जाम्पल ऑफ सुशीला यहाँ लिख सकते हो, ठीक है, और एक कंक्लूजन में आप लिख सकते हो, हेंस वी कैन कंक्लूड दैट देयर आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एंड देयरफॉर द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज नॉट बीन यूनिफॉर्म। एक और निंजा टेक्निक, जब आपके पास में, यहां तो और पॉइंट्स लिख सकते थे आप, जैसे आईटी सेक्टर जो एक मेजर जायंट की तरह निकल के आ गया, ये ग्लोबलाइजेशन का एडवांटेज भी रहा, लेकिन वो एडवांटेज वाले पार्ट पे ज्यादा हो जाता तो हमने बराबर बराबर नॉट यूनिफॉर्म के लिए दो पॉजिटिव दो नेगेटिव दे दिए और एक कंक्लूजन दे दिया। तो एट टाइम्स जब आप, व्हेन यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ द पॉइंट्स, आप कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन दैट शुड बी द रेयरेस्ट केस, ठीक। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कंडीशन फॉर टेकिंग लोन फ्रॉम फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेस, सजेस्ट एन अल्टरनेटिव सोर्स दैट यू थिंक इज बेस्ट फॉर रूरल पुअर। दो पार्ट में क्वेश्चन है, कैसे दो पार्ट में, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कंडीशंस फॉर टेकिंग लोन फ्रॉम फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेस, ठीक है। तो आपको वही कंपेयर कंट्रास्ट डिफरेंशिएट टाइप के क्वेश्चन आ गए, आप इधर फॉर्मल के कंडीशंस लिख दोगे, आप इधर इनफॉर्मल के कंडीशंस लिख दोगे, ठीक है। तो ये आप क्या कर सकते हो, जिसे चार चार पॉइंट में काम चल जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का एक पॉइंट यहाँ पे भी है ना, क्वेश्चन का एक पार्ट यहाँ पे भी है, क्या, सजेस्ट एन अल्टरनेटिव सोर्स दैट यू थिंक इज बेस्ट फॉर रूरल पुअर, क्या होगा, सोचो मन से जुड़े हुए आपके मन में आंसर आ जाना चाहिए, क्या है यहाँ पे, तो रूरल पुअर के लिए क्या एक अल्टरनेटिव सोर्स हो सकता है, सेल्फ
हेल्प ग्रुप, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप रूरल पुअर के लिए हो सकता है, ठीक है। अब अगर सिचुएशन देखी जाए तो सिचुएशन क्या हो जाएंगी कि आप जिस देखोगे तो लोन फॉर्मल सेक्टर में क्या होता है, इंटरेस्ट रेट कम लगता है, ठीक है, एक्सप्लॉयटेटिव नेचर नहीं होता, टर्म्स ऑफ क्रेडिट उतनी हार्श नहीं होती है, ये सारे फॉर्मल सेक्टर के पार्ट हो जाएंगे। इनफॉर्मल में आप लिख सकते हो कि ट्रेडर्स वगैरह जो मतलब एक तो आप वो दे सकते हो कि सोर्स है कौन से, ठीक है, जैसे फॉर्मल में बैंक्स कोऑपरेटिव्स लिख दो, इनफॉर्मल में आप क्या लिख दोगे, इनफॉर्मल में आप सारा वो लिख दोगे कि फ्रेंड्स रिलेटिव्स, ठीक है, मनी लेंडर्स, ये सारा सब कुछ, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, टर्म्स ऑफ कंडीशन हार्श होती है, फाइन, ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो फॉर्मल सोर्स और इनफॉर्मल सोर्सेस, तो दीज इंक्लूड बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स, दीज सोर्सेस इंक्लूड मनी लेंडर्स, फ्रेंड्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, एक्सेट्रा, ठीक है। द आरबीआई सुपरवाइज द लेंडिंग एक्टिविटी ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, लेकिन आप अगर यहां कंपेयर कंट्रास्ट करोगे तो देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन टू सुपरवाइज लेंडिंग एक्टिविटीज ऑफ इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, ठीक है। दीज मतलब ये जो फॉर्मल सोर्सेज होते हैं, तो दीज सोर्सेज चार्ज लेस इंटरेस्ट ऑन लोन्स, ठीक है, दीज सोर्सेज चार्ज हाई इंटरेस्ट ऑन देयर लेंडिंग एक्टिविटीज, खूब इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, 60-60% पर एनम की अगर बात करें तो, ठीक है, जिसमें क्या है, इंसान डेट ट्रैप में फंस जाता है, ठीक। दीज सोर्सेज डू नॉट प्रेशराइज बोरोवर्स और इंपोज एनी अनफेयर कंडीशन ऑन देम, ठीक है, तो फॉर्मल सोर्सेज जो है तो किसी भी तरह से प्रेशराइज नहीं करते, कोई अनफेयर कंडीशन जो है वो इंपोज नहीं की जाती है। अगला क्या है, अनफेयर कंडीशंस इंपोज नहीं की जाती। अगला पॉइंट जैसे देखोगे तो अगला पॉइंट ये रहा कि दीज सोर्सेज इंपोज देयर ओन कंडीशंस व्हिच आर एट टाइम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर बोरोवर्स टू फुलफिल, टर्म्स ऑफ कंडीशन जो रहती है वो हार्श रहती है। अब दूसरा पार्ट जो है तो बढ़िया से पैराग्राफ में एक दूसरा पार्ट, ठीक है, नीचे मतलब ये कंप्लीट करने के बाद में एक लाइन में, एक स्टेटमेंट में, एक पॉइंट में आप ये लिख सकते हो क्या कि अल्टरनेटिव सोर्स दैट इज बेस्ट फॉर द रूरल पुअर आर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, सिंपल, समझ में आया। तो उस तरह से क्या हो गया, हमारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए। आर यू गाइस एंजॉयिंग इट और नॉट, ठीक है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है बस, ठीक है, कि ये फ्रूटफुल रहा कि नहीं, ये इसे मतलब ये ढूंढ ढांड के लाना, ठीक है, और ये सॉल्व करवाना आपके लिए फ्रूटफुल रहा कि नहीं। देखो क्वेश्चंस अच्छे थे, अच्छा एक पर्सपेक्टिव मिला, हो सकता है आप कुछ क्वेश्चंस में फंसे भी हो, बताना कि ये जो टोटल क्वेश्चन हमने सॉल्व करे जितने भी 8, 12, 18 जो भी जितने भी थे, ठीक है, आई गेस 20-22 क्वेश्चंस थे, तो इन 22 क्वेश्चंस में आप कितने क्वेश्चंस में फंसे, कितने क्वेश्चंस बने, कितने नहीं बने, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम जा रही है आपको ना, तो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग पैकेट में मैं आपको उसका छोटा सा वीडियो बना के दे दूंगा कि हाँ ये प्रॉब्लम जा रही है तो इस प्रॉब्लम को हम ऐसे डील कर सकते हैं। मोस्ट इन फॉर दी मोस्ट ऑफ दी प्रॉब्लम्स आई हैव ऑलरेडी मेड वीडियोस, ठीक है, मैंने छोटे छोटे वीडियोस बना दिए जो आपको दिक्कत दे रहे हैं, ठीक है। और भी प्रॉब्लम सॉल्विंग पैकेट में वीडियोस आपको 1 बजे मिलते हैं दिन में, ठीक। अगली चीज क्या है, मैप क्वेश्चन जो आएगा, तो देखो यहाँ पे इस ये जो सैंपल क्वेश्चन का सेट है सीबीएसई के द्वारा जो दिया गया है उसमें कुछ मैप क्वेश्चन ये दिए गए, आइडेंटिफाई एंड लेबल द फॉलोइंग ऑन द मैप ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या दिया गया, कांग्रेस सेशन वेयर 26 जनवरी वाज डिक्लेयर्ड एज द डे ऑफ पूर्ण स्वराज, ये लाहौर में हुआ था, ये सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, मतलब जो मैप लिस्ट सीबीएसई ने इशू करी है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है, तो लाहौर सेशन था, थ्योरी वाले पार्ट पे तो आ सकते हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए का, ठीक है, ए का ये आपका लाहौर, ठीक है, ठीक है, लाहौर, लाहौर सेशन हो गया, लाहौर सेशन हो गया। उसके बाद में क्या है, द प्लेस वेयर 22 पुलिसमैन वर बर्न फोर्सिंग गांधी जी टू कॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कहां किया गया था, जहां 22 पुलिसमैन को जला दिया गया था, ठीक है। तो चौरी चौरा इंसिडेंट गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है, चौरी चौरा गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है, तो बी आपका क्या हो जाएगा, चौरी चौरा, फाइन, बी आपका चौरी चौरा, ये आपका चौरी चौरा हो गया। तीसरा क्या है, जलियांवाला बाग मैसेकर टू प्लेस हियर, जलियांवाला बाग मैसेकर कहां हुआ, तो यही पंजाब में आप जिसे देखोगे अमृतसर, ठीक है, पंजाब में आपका क्या रहेगा, अमृतसर, तो सी वाला पॉइंट ये हो गया आपका अमृतसर, पंजाब में अमृतसर, क्लियर हुआ, तो ये आपका पंजाब अमृतसर हो गया। तो इस तरह से आपने सिंपली क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि कहां क्या लिखना है आपको, ठीक है, कहां क्या लिखना है आपने सिंपली आइडेंटिफाई कर लिया, फाइन, ये हो गया आपका क्या मैप वर्क यहां पे, जैसे मतलब देखो बेसिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा तो आइडेंटिफाई वो पहले से लगा के दे देंगे आपको, आइडेंटिफाई करना रहेगा, लेबल करने को आएगा तो आप इस तरह से लेबल कर सकते हो, ठीक। अगली चीज क्या है, और तो जैसे ऑन द पॉलिटिकल ऑन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया आइडेंटिफाई आयरन ओर माइन आइडेंटिफाई करना है, फर्स्ट ये रहा फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट यहां पे मार्क किया गया है ये वाला, ठीक है, तो ये फर्स्ट ये जो मार्क किया गया है ये वाला, ये आइडेंटिफाई करना है कौन सी आयरन ओर माइन है ये, तो ये आयरन ओर माइन जो है कर्नाटक की आयरन ओर माइन कोस्टल एरिया पे कौन सी है, तो कर्नाटक की कोस्टल एरिया पे जो आयरन ओर माइन है ये कौन सी है, ये आयरन ओर माइन जो होगी आपकी क्या बोलते हैं इसको, ये वाली जो आयरन ओर माइन होगी आपकी कुद्रेमुख, ठीक है, कुद्रेमुख हो गया, ठीक है, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख के बाद में जैसे अगर आगे देखते हैं
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये यहां पॉइंट पे मार्क किया है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। ये कौन सा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है? केरला में। केरला का कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तिरुवनंत एच नहीं आएगा आई गेस, ठीक है, तिरुवनंतपुरम आएगा यार, ठीक है, तिरुवनंतपुरम, ठीक है, तिरुवनंतपुरम। तो ये तिरुवनंतपुरम भी हो गया आपका, ठीक है, ये तिरुवनंतपुरम हो गया। लोकेट एंड लेबल जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट आपका आ रहा है क्या? तो मैप लिस्ट जो दिए सीबीएसई ने उसमें तो नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहां पर दिया तो लगा ही लेते हैं। आपको ये ध्यान रखना होगा पॉइंट कि मुंबई पोर्ट के बाजू में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बनाया गया था टू डी कंजेस्ट दी मुंबई पोर्ट। ठीक है, मुंबई पोर्ट पे इतना इतना प्रेशर था, उसकी सांसें फूल रही थी कि उसको क्या करना पड़ा, डी कंजेस्ट करने के लिए एक और पोर्ट बनाना पड़ा। तो वो कौन सा था? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के बाजू में, वो मुंबई पोर्ट के बाजू में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, तो ये आप जवाहरलाल नेहरू पोर्ट लिख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट आ गया। तो दिस वॉज द होल स्टोरी अबाउट मैप क्वेश्चंस। यहाँ पे हमारी जो कहानी है, ये जो सैंपल क्वेश्चन जो दिए सीबीएसई ने, वो वाली कहानी हमारी होती है कंप्लीट। आई होप यू पीपल एंजॉयड इट, आपको सब कुछ बेहतरीन तरह से समझ में आया, क्वेश्चंस कैसे लगे बताना कमेंट सेक्शन में। सेशन मिलते रहेंगे, और अब हमारा सेशन जो है कल सुबह हम हिस्ट्री रिवाइज करने वाले हैं, सुबह 6 बजे डॉट मिलेंगे। ठीक है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी के थ्रू में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हिस्ट्री रिवाइज करवाने वाला हूं कल की तारीख यानी कि 11 तारीख में। तो इस तरह से हर दिन हम क्या करेंगे, एक एक बुक को रिवाइज कर लेंगे। तो चारों दिन में जो मतलब एग्जाम डे तक हम लास्ट डे में इकोनॉमिक्स करेंगे, तो लास्ट डे के लिए इकोनॉमिक्स छोड़ना मत, वो तो मैं उन बच्चों के लिए करवाऊंगा जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है। बाकी जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया तो पहले से पढ़ के रखना, रिविजन में आपको और बेनिफिशियल ही होगी चीजें। ठीक है, तो आई होप यू पीपल एंजॉयड इट, आपको मजा आया, ठीक है, सारी चीजें समझ में आई और एक क्वेश्चन समझ में आए। हाउ वाज दिस सेशन, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू आर प्लानिंग फॉर योर हायर स्टडीज विद अनअकैडमी, यू कैन थिंक फॉर आइकॉनिक एंड प्लस सब्सक्रिप्शन। ठीक है, आइकॉनिक पे आपको प्लस मतलब क्या पर्सनल गाइडेंस, 1-to-1 मेंटरशिप वगैरह, ठीक है, टेस्ट एनालिसिस, ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं। प्लस पे लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, ये सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, अभी के लिए हम क्या करते हैं, इस सेशन को यहाँ पे पूर्ण विराम देते हैं, आगे और मिलेंगे। ठीक है, स्टे अपडेटेड, कम्युनिटी पोस्ट वगैरह देखते रहना, तो आपको सारे वो मिलते रहेंगे कि अपडेट्स कब कौन सा सेशन आने वाला है। फाइन, जिससे आपको क्या रहेगा कि आप कुछ मिस ना कर जाओ। बस देखो, मैं आपको उंगली पकड़ के बहुत दूर तक ले जाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, बस शर्त यह है कि आपको वो पकड़े रखना पड़ेगी टाइट से। ठीक है, तो वो चीज है कि आप सारे सेशन मिस मत करना, ये 4-5 दिन में आपकी बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन करवा दूंगा, फिक्र रहना। ठीक है, नोट्स डाउनलोड कर लेना, मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा कम्युनिटी सेक्शन पे। आई होप यू पीपल एंजॉयड इट। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।